लास्ट अभी सेशन जो हम लोगों ने लिया था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि सिलेनियम आईडीई क्या चीज़ होता है, सिलेनियम आरसी क्या चीज़ होता है, सिलेनियम वेब ड्राइवर क्या चीज़ होता है। सिलेनियम का एक और कंपोनेंट होता है और वो होता है सिलेनियम ग्रिड। तो व्हाट इज द ग्रिड? ग्रिड डिस्ट्रीब्यूट्स द टेस्ट केस, ग्रिड डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट केसेस कहां पर? ऑन नेटवर्क। ग्रिड डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट केस ऑन नेटवर्क। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक मेरी मशीन है तो मेरी मशीन पर विंडोज है तो विंडोज पर ही टेस्टिंग होगी, लिनक्स पर तो टेस्ट नहीं हो सकता, यूनिक्स पर तो टेस्ट नहीं हो सकता, एंड्रॉइड्स के ऊपर तो टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने टेस्ट को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर टेस्ट करवाना चाहता हूँ तो उस केस में हम लोग क्या काम कर सकते हैं? उस केस में मैं अपनी मशीन को सर्वर बना सकता हूँ जहां पर मेरा टेस्ट केस है और इस टेस्ट केस को मैं वर्क स्टेशन के ऊपर रन करवा सकता हूँ जिसका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है विंडो या फिर लिनक्स। तो उस केस में अब हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं सिंगल टेस्ट केस को मैं नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। ये काम करने के लिए हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्किंग का कोड, सॉकेट प्रोग्रामिंग का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सिलेनियम ने ग्रिड लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रखी है और ये ग्रिड लाइब्रेरी क्या काम करती है? ये टेस्ट केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है नेटवर्क के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिलेनियम के अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं, आईडी, आरसी, वेब ड्राइवर और ग्रिड। अब ये जो लाइब्रेरी कहते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी थी आपके साथ कि ये लाइब्रेरी जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखी हुई है जिसमें से जावा भी एक है। तो उसके अंदर हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें? तो जो मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? वो है जावा। अब आपका क्वेश्चन आता है कि वाई जावा, जावा क्यों? पहले चीज तो जावा का वर्ड समझते ही हमको घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं अरे जावा हम तो प्रोग्रामिंग से बचने के लिए टेस्टिंग के अंदर आए थे, अब यहाँ पर फिर जावा पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो खाना बनाना जो होता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर बोलूँ तो वो तो खाना बनाना जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है और खाने को चखकर टेस्ट करना जो है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन खाने को बनाने के लिए भी हमको पता होना चाहिए क्या मसाला पड़ेगा, कितनी सब्जी पकेगी, क्या रेशो होगा, और टेस्टिंग करने वाले को भी आइडिया होना चाहिए कि भाई मेरे को एक्जैक्टली क्या चीज़ टेस्ट करनी है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो आप देखोगे टेस्टिंग करने के लिए, जो खाने की टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए मेरे को इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को यूज करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ये जावा लैंग्वेज जो है वो दो तरीके की इस्तेमाल होती है। एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि मैं डेवलपर हूँ और मेरे को एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उसके लिए जावा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं टेस्टर हूँ और मेरे को इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट को डेवलप करा है उसको मेरे को टेस्ट करना है और उसके लिए मेरे को जावा चाहिए। तो बेसिकली जावा जो है वो हमको टेस्टिंग के पर्पज से जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड जो डेवलपर को लिखना पड़ रहा है, और हम लोगों को एडवांस जावा वगैरह जो है जो डेवलपर को लिखना पड़ रहा है, जावा के फ्रेमवर्क जो जावा के इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, उतने कॉम्प्लेक्स वे में टेस्टर को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सिलेनियम की लाइब्रेरी है वो प्री डिफाइंड क्लासेज है, प्री डिफाइंड मेथड है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, मेरे को सिर्फ उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। इसलिए जावा के हमको जो चाहिए नॉलेज वो मेरे को फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए, और इससे ज्यादा मेरे को ज्यादा जावा के अंदर इन डेप्थ एडवांस जावा फ्रेमवर्क वगैरह में जाकर काम नहीं करना है। तो इसलिए जावा से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से रीजन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि हम लोगों को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे रखी है, हम लोग .NET में भी कोड लिख सकते हैं, पाइथन में भी लिख सकते हैं। तो लेकिन अगर आप इनकी सिलेनियम की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने मोस्ट प्रेफर्ड जो लिख रखा है लैंग्वेज नंबर वन वो क्या लिख रखी है? जावा लिख रखी है। तो हम लोग उसी का रीजन देखते हैं कि मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज जावा क्यों है। तो उसका रीजन नंबर वन जो सबसे पहला है, वो रीजन नंबर वन जो है वो ये है कि जो सिलेनियम डेवलपर्स हैं, कौन कौन सिलेनियम डेवलपर्स हैं?
जैसन हगिंस और साइमन स्टेवर्ट उन्होंने जो लाइब्रेरी डिजाइन करी है IDE, RC, वेब ड्राइवर और ग्रिड, ये जो उन्होंने डिजाइन करा है ये इन्होंने किसको यूज कर बनाया है, जावा लाइब्रेरी को यूज कर। तो इन्होंने जिन्होंने ये प्रोजेक्ट डिजाइन करा है उन्होंने ये प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करा है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट जावा लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर उन्होंने ये जो है लाइब्रेरी को बनाया है। तो इसलिए जावा मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि हम लोग जब भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन या कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ वीडियोज वगैरह इंटरनेट पर सर्च करते हैं सेलेनियम को लेकर, तो आपको 99% केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो जावा बेस्ड लाइब्रेरी को यूज करके मिलेगा, क्योंकि सेलेनियम के डेवलपर्स ने जो लाइब्रेरी लिखी है वो जावा की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके लिखा है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सेलेनियम के अंदर तो आपने बोला कि .NET भी सपोर्ट कर रहा है, पाइथन भी सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है वो कर रहा है, लेकिन वो जो पाइथन है या PHP है या ASP है, जो भी और अदर लाइब्रेरीज है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है। तो उसका मतलब कि जो सेलेनियम है वो डायरेक्टली इस लाइब्रेरी को PHP को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, पाइथन को नहीं सपोर्ट कर रहा, किसी थर्ड पार्टी ने वो लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ऑलरेडी बताया ओपन सोर्स है, तो आप भी एक लाइब्रेरी अपनी डिजाइन कर सकते हो और आप भी उसे ओपन सोर्स पर मार्केट कर सकते हो। तो वैसे ही किसी और थर्ड पार्टी ने पाइथन को यूज कर ऑटोमेशन के लिए लाइब्रेरी बनाई, सेलेनियम ने उसे चेक करा, सेलेनियम बोला ठीक है ये लाइब्रेरी आपकी बेटर है, तो उसने भी उसको अपने वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर लिया कि ठीक है अगर आपको पाइथन यूज करना है तो पाइथन को इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन सेलेनियम की टीम ने नहीं बनाई, वो थर्ड पार्टी ने बना रखी है। इसलिए अगर हम लोगों को सेलेनियम डेवलप्ड लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहा है तो सेलेनियम डेवलप्ड लाइब्रेरी जो है वो जावा के ऊपर लिखी गई है, इसलिए जावा मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है। दूसरी चीज, एक और चीज आती है कि भाई क्यों मोस्ट प्रेफर्ड है, तो जो सेलेनियम के जो डेवलपर्स थे उन्होंने जावा को ही क्यों इस्तेमाल करा, तो क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि जावा इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। हम लोगों क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जावा एक पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है, और भी इसके फीचर्स होते हैं, रोबस्ट है, मल्टी थ्रेडेड है, सिक्योर है वगैरह वगैरह। तो वो जावा के फीचर जो है वो उसको क्या बनाते हैं, वो उसे लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर हमको क्या चाहिए, पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो हम लोग किसका टेस्टिंग कर रहे हैं, जब हम लोगों ने सेलेनियम के बारे में बात करा तो हमने बोला सेलेनियम किसकी टेस्टिंग कर रहा है, तो हमने बोला सेलेनियम वेब की टेस्टिंग कर रहा है। तो वेब की टेस्टिंग के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। तो इसलिए जावा क्यों, वो सेलेनियम वालों ने जावा को क्यों मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करा, क्योंकि उसको यूज करके मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मल्टीपल ब्राउजर्स के ऊपर वेब की टेस्टिंग इजीली कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने जावा को बोला। तीसरी चीज जो है मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज क्यों है, वो तीसरा जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट क्यों है, तीसरा पॉइंट ये है कि सेलेनियम अकेला टेस्टिंग नहीं कर सकता, सेलेनियम की लाइब्रेरी के साथ जो सेलेनियम की जो API है उसके साथ मेरे को अदर API भी इंटीग्रेट करनी पड़ती है, जैसे कि मेल सेंड करने के लिए, एक्सेल से कनेक्शन करने के लिए, लॉग जनरेट करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। तो अगर मेरे को एक कंप्लीट टेस्ट केस लिखना है तो सेलेनियम की API तो सिर्फ ब्राउजर के ऊपर जो कंट्रोल है वो ब्राउजर का कंट्रोल लेगी, फ्रंट एंड का, ब्राउजर के फ्रंट एंड का कंट्रोल लेगी, लेकिन उसके अलावा अगर आपको मेल भी सेंड करना है, उसके अलावा आपको एक्सेल से कनेक्शन भी करना है, आपको लॉग भी जनरेट करने हैं, आपको रिपोर्ट भी जनरेट करनी है, तो इस तरीके के अदर टास्क करने के लिए सेलेनियम के अंदर कोई प्री डिफाइंड मेथड या लाइब्रेरी नहीं है। तो उसके लिए आपको अदर लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो अगर मेरे को कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है तो सेलेनियम की लाइब्रेरी के साथ मेरे को मेल की लाइब्रेरी, एक्सेल की लाइब्रेरी वगैरह सबों की लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और ये अदर लाइब्रेरी कहाँ से आ रही है, ये अदर लाइब्रेरी हमारे को जावा से मिल रही है।
कि जावा के प्रोग्राम मेल सेंड करने के लिए, जावा का प्रोग्राम एक्सेल से कनेक्शन करने के लिए, जावा का प्रोग्राम लॉग जनरेट करने के लिए, जावा का प्रोग्राम रिपोर्ट जनरेट के लिए, जैसे कि जे यूनिट टेस्ट एनजी वगैरह वगैरह। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जावा एक मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है सेलेनियम का टेस्ट प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो अब अगर मैं अब आगे बोलूं कि हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे, तो हम लोग बेसिकली क्या क्या चीजें करेंगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग उस चीज की लिस्ट बनाते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे कोर जावा, कोर जावा, क्योंकि सेलेनियम के अंदर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जावा मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है, तो हम लोग जावा को यूज करके प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसके लिए मेरे को जावा के रूट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू के ऊपर भी जाएंगे सेलेनियम के, तो उस केस में वो आप सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे जावा के कॉन्सेप्ट्स को ही डिस्कस करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे को जावा की इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। रूट्स के कॉन्सेप्ट्स में जैसे कि हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा के, जैसे स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का क्या मतलब है, इंटरफेस का क्या मतलब है, पैकेज का क्या मतलब होता है हमारा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम लोग पूरा हमारा जो ट्रेनिंग होगी ये 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। तो आपका इसके अंदर जो टाइम लगेगा हमारा, हम लोग 8 days का टाइम लेकर चलते हैं, तो मतलब कि 8 sessions हम लोग करेंगे कोर जावा। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो करेंगे सेलेनियम आईडी, जो कि ऑलरेडी बताया कि डेप्रिकेटेड है, तो उसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग 1 day का टाइम लगाएंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो करेंगे सेलेनियम आरसी, जो कि अगेन फिर से डेप्रिकेटेड लाइब्रेरी है जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बताया, और इसके अंदर भी हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे 3 days का टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर जो है ये प्रैक्टिकली यूज चीज है, और वेब ड्राइवर के साथ हमारे को जो करना पड़ता है वो मेरे को मेल API का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके साथ मैं PUI का इस्तेमाल करता हूँ एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए, इसके लिए मेरे को लॉग 4J की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है लॉग जनरेट करने के लिए, इसके लिए हम लोग जो है जे यूनिट एंड का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो है टेस्ट एनजी मावेन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग वेब ड्राइवर के साथ में हम लोगों ने जैसा आपको आगे बताया था कि ग्रिड होता है अगला कंपोनेंट, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ग्रिड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ग्रिड के अंदर फिर से 2 days का टाइम लगेगा हमारा। हम लोग जो है टेस्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे। टेस्टिंग फ्रेमवर्क 2 प्रकार के होते हैं, डाटा ड्रिवन मॉडल होता है, पेज ड्रिवन मॉडल होता है, तो इसके लिए हम लोग फिर से 2 days का टाइम लगेंगे। और हम लोग मोबाइल टेस्टिंग का भी पोर्शन इसके अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर फिर से हम लोग 2 days का टाइम लगेंगे। तो ये हमारे मोटे मोटे टॉपिक है जिसमें हम लोग जावा का टॉपिक कवर कर रहे हैं, आईडी कवर कर रहे हैं, आरसी कवर कर रहे हैं। डिटेल के अंदर 15 days का टाइम लगेगा हमारे को, जिसके अंदर हम लोग वेब ड्राइवर और उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, जे यूनिट टेस्ट एनजी मावेन ये सारी चीज़ें हम लोग, है ना, जेनकिंस ये सब चीज़ें हम लोग उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, PUI लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करेंगे, मेल को सेंड करेंगे। तो इसके अंदर 15 days का टाइम लगेगा। हम लोग टेस्टिंग फ्रेमवर्क पूरा डिजाइन कर दिखाएंगे आपको, ग्रिड कंपोनेंट के ऊपर काम करेंगे और मोबाइल टेस्टिंग के ऊपर काम करेंगे। तो टोटल मिलाकर अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को कवरअप करते हैं तो इसके अंदर हमारे को जो टाइम लगेगा वो हमारा जो टाइम लगेगा वो 40 days का टाइम लगेगा, इंटू 2 hours का सेशन हमारा रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2 hours का सेशन जो होता है ये क्लासरूम बेस्ड सेशन होता है, तो इसके अंदर बेसिकली जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस 2 hour के सेशन में हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन भी रहता है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके साथ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपका जो मोड रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग एक थ्योरी सेशन करेंगे और फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो हर एक टॉपिक का एक थ्योरी सेशन होगा और प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। तो इसके अंदर हम लोग जो एवरेज टाइम लगाएंगे वो 30 मिनट का एक थ्योरी सेशन का टाइम लगाएंगे और 30 मिनट का हम एक प्रैक्टिकल सेशन का टाइम लगाएंगे, और उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आप कंप्लीट करेंगे। अगर वो असाइनमेंट कंप्लीट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा आगे, उस लिंक से आप वो पर्टिकुलर असाइनमेंट
डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर आपको क्या मिल जाएगा, वो असाइनमेंट का पूरा प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। और फिर भी अगर आपको वो कुछ हेल्प चाहिए तो आप उस केस में मेरे नंबर के ऊपर 26239 इस नंबर के ऊपर आप कभी भी कॉल बैक कर सकते हैं किसी भी असिस्टेंस को लेने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आज इंट्रोडक्शन टू द सेलेनियम खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन से हम लोग कोर जावा से स्टार्ट करेंगे और कोर जावा में हम लोग सबसे पहले दिन डिस्कस करेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज अ जावा लैंग्वेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जावा, ठीक है ना, एंड हाउ टू राइट अ सिंपल जावा प्रोग्राम, ये हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं पराग सक्सेना आपसे इजाजत लेता हूँ और होप करता हूँ कि आपको जो आज हम लोगों ने डिस्कस करा वो समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा मेल आई डी नोट कर सकते हैं, दैट इज PARAGGUIDE@yahoo.co.in। तो आप मेरे को वेबसाइट पर भी लिख सकते हैं मेरे, और नहीं तो आप हमारे कंपनी की जो हमारा नाम है वो है RM Infotech Solutions.com। मैं रिपीट कर रहा हूँ RM Infotech Solutions.com। तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस का लिंक मिलेगा। उस कॉन्टैक्ट अस के लिंक पर से आपको हमारी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस नजर आ जाएगा। तो अगर आप मेरे पास पर्सनली विजिट करना चाहते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्लासरूम बेस्ड सेशन लेने के लिए, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक नहीं आता और आप उसे क्लासरूम बेस्ड डिस्कस करना चाहते हैं और आप विजिट कर सकते हैं मेरे एंड के ऊपर, तो आप पर्सनली मेरे एंड पर विजिट कर भी सेशन ले सकते हैं। आप मेरे मोबाइल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप स्काइप के थ्रू कनेक्ट होना चाहे तो आप मेरे को कॉल करिएगा, मैं आपको स्काइप आईडी भी दे दूंगा, तो आप स्काइप आईडी के थ्रू भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूं सेशन अपना, नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।